आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 2A पॉलिनोमियल आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने दूसरे वीडियोस में कर रखा है और उन वीडियोस का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके आगे जैसा मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 तक इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन का जो कैटेगरी है वो सेम है और ऐसे क्वेश्चन में आपको दोनों रूट्स एग्जाम इन्होंने गिवन में मे भी दिया हो और उन दोनों रूट्स के हेल्प से आपको वो पॉलिनोमियल पूछेंगे और साथ में वेरीफाई करने पूछेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये सारा कुछ हमें अभी के आने वाले कुछ क्वेश्चंस में करना है, तो इन क्वेश्चंस के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होता है एक बार मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी तक के क्वेश्चन में आपको ये पॉलिनोमियल गिवन रहता था, इस पॉलिनोमियल के हेल्प से सबसे पहले आप जीरोज निकालते थे और जीरोज और पॉलिनोमियल के हेल्प से आप करते थे अपना वेरिफिकेशन वाला काम। ये अभी तक के क्वेश्चंस में हम लोग करते आ रहे थे, बट अब क्या है, अब आपके पास जीरोज रहेंगे और जीरोज के साथ साथ मे बी आपके पास सम ऑफ जीरोज भी क्वेश्चन में गिवन रह सकता है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये कुछ भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यानी कि जीरो से रिलेटेड डेटा आपके पास रहेगा। पहले आपके पास सिर्फ पॉलिनोमियल गिवन रहता था और आपको जीरोज फाइंड करना रहता था और वेरिफिकेशन करना रहता था। अब क्या है, ये जीरोज या अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज या अल्फा इनटू बीटा, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या जीरोज से रिलेटेड कोई भी डेटा आपके पास गिवन रहेगा। तो यहां मैं लिखता हूं गिवन, और इस डेटा के हेल्प से आपको सबसे पहले तो पॉलिनोमियल निकालना होगा और पॉलिनोमियल और जीरोज अब आपके पास दोनों आ गए तो इनके हेल्प से आपको करना होगा अपना वेरिफिकेशन का काम। तो इस प्रोसेस में हम लोग किस फॉर्मूला का या किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो मैं बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए अल्फा एंड बीटा आपके किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस थे और जिस पॉलिनोमियल के जीरोस थे उसके बारे में हमें पता नहीं है, इट मींस हमारे जीरोस गिवन है और जीरो से पॉलिनोमियल निकालना है, तो पॉलिनोमियल को कोई एक नाम दे देंगे एफ एक्स और लिखेंगे इक्वल्स टू ए एक्स, सॉरी, और लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। पहले एक्स स्क्वायर उतार दिया, फिर दोनों जीरोस का सम यहां पर लिख दिया और उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर दोनों जीरोस का प्रोडक्ट लिख दिया। ये बहुत आसान है, अभी आने वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग इसी पैटर्न पे देखने वाले हैं। और थोड़ा सा मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ वेरिफिकेशन के लिए कि मान लिया जाए आपका एक पॉलिनोमियल होता है एफ एक्स जिसको आप बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के हमारे दो जीरोज होते हैं। इन दैट केस आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा दैट ये जो सम ऑफ जीरोज हैं ये माइनस बी बाई ए और जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं ये सी बाई ए के बराबर होगा। देखो अल्फा और बीटा का वैल्यू तो आप देख लो, और ए बी सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है ए, एक्स का कोफिशियंट होता है बी, और लास्ट में जो बचा वो होता है हमारा सी। तो अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए के बराबर और अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए के बराबर आपको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जिससे हम लोग शुरुआत करने वाले। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज हैं 2/3 एंड -1/4। तो मान लिया जाए हम लोग यहाँ पे अपना अल्फा जो है अल्फा 2/3 और बीटा बीटा -1/4 मानते हैं, दोनों जीरोज हमारे गिवन है 2/3 एंड -1/4। वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स एंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सेम काम करना है। तो चलिए ये हमारे पास डेटा था, यानी कि ये हमारे पास हमारे जीरोज गिवन थे और इन जीरोज के हेल्प से हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखना है। तो आप चाहे तो कुछ काम जो पॉलिनोमियल के फॉर्मूला का होता है मैं एक बार यहां लिख देना चाहता हूं, पॉलिनोमियल का मेरा फॉर्मूला क्या था हमारा, यहां लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये लिखते हैं। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा है इसका वैल्यू हम लोग पहले साइड में कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो मान लिया जाए अल्फा बीटा गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2/3 -1/4, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12,
थ्री फोर जा फोर टू जा एट माइनस फोर थ्री जा ये हो जा रहा है 5/12। इसी तरह से अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना चाहें तो 2/3 करेंगे इंटू माइनस 1/4 करेंगे तो ये 2 और ये 2 टाइम्स चला जाएगा माइनस 1/6। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने अपना फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ये वाले फॉर्म पे हमें बस अल्फा और बीटा का तो वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा पता है उसका वैल्यू लगा देंगे और अल्फा इंटू बीटा पता है उसका वैल्यू लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस है अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा आया 5/12 तो लिखेंगे माइनस 5/12 एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा था और अल्फा इंटू बीटा हमारा माइनस 1/6 आया तो लिखेंगे माइनस 1/6। बट एक तो गड़बड़ है कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे पॉलिनोमियल के, उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का वो ऐसा ही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है जो कि हमें इस वाले एक्सरसाइज में पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए होगा, एक्स का कोफिशियंट बी होगा और एक कांस्टेंट टर्म सी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा, हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें मिल रहा है यहाँ से, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, तो इट मींस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाई वन करेंगे और ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे क्योंकि नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो एलसीएम हो जाएगा ना यहाँ 12, तो ये आ जाएगा यहाँ 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 6 टू जा, तो ये हो जाएगा 2। और क्या करेंगे, एफ एक्स को जीरो के बराबर पुट करना होगा आपको, तभी हमारा ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ से निकाल पाते हैं। तो ये 12 उस जीरो के तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। फाइनली हमारा जो पॉलिनोमियल बचा ना वो ये लिखेंगे हम लोग 12x² - 5x - 2, ये मेरा फाइनल पॉलिनोमियल आ गया 12x² - 5x - 2। तो पहला काम तो हो गया हमारा जिसमें हमें अपना पॉलिनोमियल फाइंड करना था। इसके बाद हमें करना था वेरिफिकेशन, तो एक छोटा सा यहां टॉपिक डाल दो वेरिफिकेशन का। और वेरिफिकेशन में आपको क्या प्रूफ करना है, मैं साइड में यहां लिख देता हूं, आपको अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर दिखाना है एंड जो अल्फा इंटू बीटा है ये आपको सी बाई ए के बराबर वेरिफिकेशन में दिखाना है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज करा हमने अल्फा बीटा ए बी सी, ये कहां से आएगा, तो सर जी ये आ जाएगा हमारे इस वाले इक्वेशन में से। तो ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि 12 है, बी जो है वो एक्स का कोफिशियंट जो कि माइनस 5 है, याद रहे साइन के साथ लिखेंगे, और सी जो है कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि हमारा माइनस 2 है। तो ये हमने इतना लिख दिया, ए बी और सी आ गया। अल्फा बीटा तो हमें पहले ही से ही पता है, क्वेश्चन में ही गिवन है दो जीरोस, तो किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा हमने मान लिया। आप चाहें तो यहाँ पे 2/3 को बीटा और माइनस 1/4 को अल्फा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको भी एक बार यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। याद रहे ए और अल्फा में डिफरेंस है ना, देखो ऊपर जो मैंने लिखा है वो ए लिखा है और अब जो मैं लिख रहा हूँ वो अल्फा है। तो अल्फा से अगर दिक्कत हो, अल्फा से अगर दिक्कत हो तो अब से एक काम मैं करता हूँ, अल्फा को दूसरे तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये अल्फा, इसको मत बोलो अल्फा, हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, ये स्टैंडर्ड, थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे तो अल्फा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा हम लोग ऐसे घुमा के लिख देंगे, है ना। तो 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 थोड़ा और चेंज करना होगा हमें, कहाँ कहाँ चेंज करना होगा सर जी, एक यहाँ चेंज कर देते हैं और एक यहाँ चेंज कर देते हैं और अल्फा 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 एक यहाँ चेंज कर देते हैं और एक यहाँ चेंज कर देते हैं। तो 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 सबसे पहले क्या, अल्फा 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 और अल्फा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, अब हमारा अल्फा कितना है, हमारा अल्फा है 2/3 एंड हमारा बीटा कितना है, बीटा है हमारा -1/4। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले मुझे अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो एक जगह ये वाला अल्फा रह गया,
ये अल्फा, हम लोग ऑलरेडी यहां पर अल्फा प्लस बीटा 2 बाई 3 फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो लिख देते हैं ना अल्फा प्लस बीटा 2 बाई 3। अब हमें इस अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए के बराबर दिखाना है, हमें इस अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए के बराबर दिखाना है। एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा ये क्या लिख दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा 5 बाई 12 के बराबर है ना, सॉरी 5 बाई 12, 2 बाई 3 तो अल्फा का वैल्यू था। तो हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये माइनस बी बाई ए के बराबर है। तो साइड में क्या करते हैं, साइड में रफ में माइनस बी बाई ए फाइंड करते हैं क्या होगा। तो माइनस फार्मूला से आ गया, और बी देखो तो मेरे पास यहाँ पे माइनस फाइव है, तो बी के बदले माइनस फाइव लिख दिया, और ए है हमारा 12 तो लिख दिया, माइनस और माइनस कट जाएगा तो आप इसको लिखेंगे 5 बाई 12। इट मीन्स माइनस बी बाई ए भी आपका 5 बाई 12 आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा भी 5 बाई 12 आ रहा है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 बाई 12 को आप माइनस बी बाई ए भी लिख सकते हो। ये था हमारा वेरिफिकेशन। चलो और दूसरा हम लोग करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा भी हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस 1 बाई 6, तो लिखते हैं माइनस 1 बाई 6। अब मुझे अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए के बराबर दिखाना है, तो साइड में कहीं सी बाई ए निकाल लो। तो सी है देखो मेरा माइनस 2, तो माइनस 2 लिखा, और ए पता है 12 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस 1 बाई 6 आएगा। सी बाई ए भी माइनस 1 बाई 6, अल्फा इंटू बीटा भी माइनस 1 बाई 6, तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू सी बाई ए लिख देंगे और काम खत्म। और जो एक्स्ट्रा मैंने ये लिखा ना, ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ आते हैं, और वो भी सेम ही है, बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम ऑफ हू जीरोस। बंधु मित्र ध्यान से, यहां पे अल्फा और बीटा अब की नहीं गिवन है, थोड़ा सा ध्यान से मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम ऑफ हूज जीरोस इज 8। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस। तो अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए अल्फा एंड बीटा भी हमने मान लिया जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल एफएक्स, तो बोला गया सम ऑफ जीरोस इज गिवन, जो कि है हमारा 8। इट मींस क्वेश्चन में पहले से ही अल्फा प्लस बीटा हमारा 8 गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। इट मींस दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 12 है, अल्फा प्लस बीटा 8, अल्फा इंटू बीटा 12 क्वेश्चन में ही गिवन है। क्या बोला जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, सिर्फ जीरो फाइंड करने के लिए बोला गया है, और वेरिफिकेशन इसमें हमें नहीं बोला गया है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें जीरो फाइंड करना है, दोनों जीरोस का सम दिया हुआ है, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और दोनों जीरोस फाइंड करना है। इट मींस अगर मैं बोलूं अल्टीमेटली क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है फाइंड जीरोस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड जीरोस का मतलब फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें चाहिए। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लें इसमें। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो क्या हम लोग इसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में से अपना पॉलिनोमियल बना सकते हैं जैसे ऊपर अभी हमने बनाया? सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, जो पॉलिनोमियल बनेगा इस डेटा से उसको लिखते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद होगा ना, एफ एक्स इक्वल्स टू होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये पॉलिनोमियल होता, पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता था कब, जब अल्फा और बीटा गिवन रहे। तो आप कुछ नहीं, ये दोनों के दोनों वैल्यूज को यहां पे लाके पुट कर दो, दोनों वैल्यूज को। तो आप लिख सकते हो क्या, एफ एक्स हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा 8 है, तो माइनस 8 एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारा 12 है। कितने आसानी से हमने अपना पॉलिनोमियल लिख लिया एफ एक्स। अब हमें जीरोस फाइंड करने के लिए बोला गया, तो अब इस क्वेश्चन का टेंशन हटा दो, याद करो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, मे बी क्वेश्चन नंबर 8 भी, जिसमें एक आपको पॉलिनोमियल गिवन रहता था और उस पॉलिनोमियल का आपको क्या करना रहता था, जीरोस फाइंड आउट करना रहता था। तो आखिर यहां पे भी तो आके हम लोग उसी स्टेज पे आ गए ना। तो एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है, तो बहुत आसान है। अब आप यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, जो कि हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। तो आप एफ एक्स को एफ एक्स लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस 8x को ऐसे स्प्लिट करो कि सम दो नंबर्स में ऐसे स्प्लिट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 8x और मल्टीप्लाई करके ये एक्स स्क्वायर इंटू 12, यानी कि 12x स्क्वायर आए। तो ये काम आप माइनस 6x माइनस 2x के साथ भी कर सकते हो। माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 12x स्क्वायर आता है, जो कि आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स को लिखेंगे इक्वल्स टू, इन दोनों में आप x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 6 और इन दोनों में भी आप माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 6। इसके बाद आप लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू, इस पूरे में और इस पूरे में आपको x माइनस 6 को कॉमन लेना है तो बचेगा हमारा x माइनस 2। अब आपको लिखना होगा जो एफ एक्स होगा वो जीरो होगा, तभी तो आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा ना। तो आप क्या लिखेंगे, जो x माइनस 6 है और ये जो x माइनस 2 है ये जीरो के बराबर होगा। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो दोनों नंबर्स को ऐसे करके आप जीरो के बराबर दिखा सकते हो। यहाँ से x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। अब ये x क्या है, x जीरो जी तो है, याद है पहले भी हम लोग x निकाल देते थे, एक पॉलिनोमियल गिवन रहता था x निकाल देते थे और x का दो वैल्यू आता था, उसी में से किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लेते थे। तो सेम काम कर दो यहाँ पे, चलो हम लोग इसको मान लेते हैं अपना अल्फा। अच्छा, इसमें भी मैंने अल्फा को a लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको हमने मान लिया अल्फा और इसको हमने मान लिया बीटा। थोड़ा चेक करते हैं, चलो थोड़ा हम लोग चेकिंग करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया। अल्फा प्लस बीटा देखो 8 गिवन है यहाँ पे, क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा 8 आ रहा है? अल्फा 6 है, बीटा 2 है, 6 प्लस 2 8 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 12 गिवन है, क्या हमारा अल्फा इंटू बीटा 12 आ रहा है? अल्फा है 6, बीटा है 2, तो 6 गुना 2 12 आ जा रहा है। यानी कि हमारा जो डेटा था वो क्वेश्चन के डेटा से मैच कर गया, हमारा जो डेटा था क्वेश्चन के डेटा से मैच कर गया। इट मींस हमारा ये जो दो आंसर आ रहा है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहां पे 2 0s are 6 and 2, ये जो दो जीरोस का आंसर हमारा आया एग्जैक्टली हमारा सही आंसर आ रहा है। आई होप दैट, अब इससे अच्छा एक्सप्लेन मैं और क्या कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म होता है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम ऑफ जीरोज आर, भैया फिर से वही कहानी, पहले लिख दो। तो मान लिया जाए कि जो अल्फा है, एक्चुअली इसको मुझे सॉल्यूशन वाले एरिया में लिखना चाहिए था, लेकिन चलता है उतना टेंथ है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी फॉर द फंबल, है ना। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हू जीरोस इज जीरो, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज ही कितना है, जीरो, बड़ा अच्छा है। एंड द प्रोडक्ट इज माइनस वन, इट मींस अल्फा इनटू बीटा है हमारा माइनस वन, सम ऑफ जीरोज इज जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज माइनस वन। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इज जीरो एंड प्रोडक्ट इज माइनस वन, हमें फाइंड करना है अल्टीमेटली फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
एकदम सेम क्वेश्चन ना, जैसा क्वेश्चन अभी हमने बनाया एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, जीरो से आप लिख सकते हो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, फार्मूला लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना है सर जी, जीरो, यानी कि माइनस जीरो। एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा कितना है, माइनस वन, तो डायरेक्टली यहां पर लिख दो माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स माइनस वन, तो ये जीरो एक्स का कोई मतलब बन रहा है क्या, इसको हटा देने का यहां से आप, और हमारा जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स उसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉरी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोगों को ये जो एफ एक्स है ये जीरो के बराबर दिखाना होगा, यानी कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये जीरो के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन राइट साइड में चला जाएगा, तो x जो है मेरा रूट ऑफ वन हो जाएगा, तो x का वैल्यू आप माइनस वन भी लिख सकते हो और x का वैल्यू भी आप प्लस सॉरी x का वैल्यू आप प्लस वन भी लिख सकते हो, बिकॉज माइनस वन इंटू माइनस वन भी वन होता है और वन इंटू वन भी वन होता है। तो ध्यान रहे ऐसे केसेस में जब भी आपको मान लिया जाए रूट का फाइव है, मैं बोलू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इक्वल्स टू ऐसे आता है रूट का फाइव, तो आप x का दो वैल्यू लगाओगे, एक्स स्क्वायर मान लीजिए आपके पास, एक मिनट, एक्स स्क्वायर आपके पास 25 आता है और x पूछा जाए तो आप ऐसे करोगे ना, x इज इक्वल टू ओवर रूट ऑफ 25, तो x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक प्लस का 5 आ जाएगा और एक माइनस का 5 आ जाएगा। क्यों, बिकॉज प्लस का 5 का होल स्क्वायर करो तो 5 5 25 आता है और माइनस 5 का होल स्क्वायर करो तो माइनस माइनस कट के भी 5 5 25 आता है, तो एक्स का ऐसे दो वैल्यूज। खैर ये सब हमें जानना नहीं है, यहीं तक हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो ये एक्स के हमारे, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, दो वैल्यूज आ गए, क्या क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस वन, तो क्या हमें दो जीरोज मिल गए, तो आप लिखेंगे देयरफोर, ये लिखना है तो लिखना वरना छोड़ देना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर माइनस वन एंड प्लस वन, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ चला जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस is 5 by 2 and the product is 11, ठीक है। अब अल्फा बीटा मानना नहीं है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरोस इज 5 by 2, यानी कि बोल दिया गया दैट मेरा जो अल्फा प्लस बीटा है भैया वो है 5 by 2 एंड द प्रोडक्ट इज 1, तो अल्फा इंटू बीटा है, मुझे 1 गिवन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब तो ये याद हो गया होगा क्या कर रहा है ना, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख दो, अब की पॉलिनोमियल हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा 5 है और इसके साथ एक्स लगा देंगे, प्लस रहता है अल्फा इंटू बीटा 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं छोड़ना है, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या करेंगे यहां पे ऐसे करके 1 लिखेंगे, 1 इंटू 2 यानी कि 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स और ये 2 हो जाएगा, इसको इक्वल्स टू जब 0 के करीब करेंगे आप जो अपना एफ एक्स है उसको लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, है ना। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग अगर कर देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, एफ एक्स को आप एफ एक्स ही लिखेंगे और 2x स्क्वायर को 2x ही लिखेंगे, माइनस 5x को आपको स्प्लिट करना है, तो आई होप दैट अगर आप इसको
माइनस फोर एक्स माइनस एक्स के फॉर्म पे तोड़ दो तो माइनस फाइव एक्स आ जाता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस, और फोर एक्स इंटू एक्स फोर एक्स स्क्वायर आ जाता है, जो कि आपको टू एक्स स्क्वायर इंटू टू को मल्टीप्लाई करके लाना है ना। तो अब आप इन दोनों में से क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा, अच्छा टू एक्स कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, अगर आप 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस टू, इन दोनों में माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस टू, इस पूरे में अगर आपको x माइनस टू कॉमन लेना है तो बचेगा 2x माइनस वन। स्टेज में जैसे ही आप आएंगे तो आपको जो एफ एक्स है उसको जीरो के बराबर दिखाना होगा, x माइनस टू। अच्छा ये एफ एक्स को जीरो के बराबर हम लोग ये जो दिखा रहे हैं क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझो। जैसे मुझे फाइंड करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ये जो मेरा एक पॉलिनोमियल है, मान लो मैंने ये जो पॉलिनोमियल लिखा अपना क्या करा रहा हूं, ये जो पॉलिनोमियल लिखा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज डिग्री टू है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ दो जीरोज ही होंगे, ये तो बात फिक्स है, दो जीरोज ही होंगे ये बात फिक्स है। अब मुद्दा यहां पर यह है कि इसके दोनों जीरोज क्या है, मतलब वो वैल्यू क्या सिग्निफाई कर रहा है, उसका मतलब क्या है जीरोस का। तो याद रहे यहां पर जो वेरिएबल यूज हुआ है एक्स, एक्स का हमारे पास दो दो वैल्यू आ जाएगा, एक्स का चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो दो जीरोस, यानी कि एक्स का दो वैल्यू आएगा, और उन दोनों वैल्यूज को सेपरेटली जब आप इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका जो आंसर है पूरा पॉलीनोमियल सॉल्व होके वो जीरो आ जाएगा अंडा, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू है वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल में लगाओ तो पॉलिनोमियल कट के जीरो, इसलिए उसका नाम भी रख दिया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना था, हमें इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का इस पर्टिकुलर डेटा के हेल्प से जीरोज निकालना था ना, यानी कि एक ऐसा वैल्यू, दो ऐसा वैल्यू लगाओ निकालो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए कि ये पॉलिनोमियल पूरा रिड्यूस होके जीरो हो जाए। अब आप सोचिए ये कब पॉसिबल है, जब ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर होगा, यहां पे ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो के बराबर होगा उसके रेस्पेक्ट में ही ना हम लोग ये एक्स निकालेंगे यहां पे। तो अगर ये दो नंबर्स हैं यहां पे हमने लिखा यहां से उठा के एक्स माइनस टू और टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पे बीच में एक लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, और यहां लिखेंगे टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, यहां से आप एक्स इक्वल्स टू टू लगाएंगे और यहां से एक्स इक्वल्स टू 1 by 2, ये आपके दो जीरोस हैं, required zeros of the polynomial। अब साइड में अगर करने का मन हो तो चेक कैसे करेंगे, अपने डेटा को क्वेश्चन के डेटा से मैच करेंगे, क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंगली दोनों जीरोस को ऐड करके 5 by 2 आ रहा है। मैंने सिखाया था 2x का वैल्यू आएगा, किसी को भी आप अल्फा और किसी को भी आप बीटा मान सकते हो, अपने डेटा से क्वेश्चन के डेटा को मैच करो। देखो तो क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंगली दोनों जीरोस को ऐड करके 5 बाई टू आ रहा है, क्या हमारे दोनों जीरोस को ऐड करके 5 बाई टू आ रहा है, तो आप 2 प्लस 1 बाई टू करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, 1 टू जा 2 टू जा 4 प्लस 1, इट मींस 5 बाई टू हमारा भी आ जा रहा है सम ऑफ जीरोस। अच्छा एक वैल्यू सही आएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली सही आना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्या हमारे जीरोस का प्रोडक्ट 1 है, तो एक जीरो है भैया मेरा 2, एक है 1 बाई 2, तो 2 2 कट जाएगा तो 1, यानी कि हमारा भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 और क्वेश्चन का भी 1 आ रहा है, और हमारा भी सम ऑफ जीरोस 5 बाई 2 और क्वेश्चन का भी 5 बाई 2 आ रहा है, इट मींस हमारा यहां पे सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म होता है।